एक दौलतमंद इंसान ने अपने बेटे को वसीयत देते हुए कहा, बेटा मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में ये फटे हुए मोजे यानी जुराब पहना देना, मेरी ये इच्छा जरूर पूरी करना। पिता के मरते ही नहलाने के बाद बेटे ने पंडित जी से पिता की आखिरी इच्छा बताई। पंडित जी ने कहा, हमारे धर्म में कुछ भी पहनाने की इजाजत नहीं है, पर बेटी की जिद थी कि पिता की आखिरी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के पंडितों को जमा किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी मोहल्ले में से एक व्यक्ति आया और आकर बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ खत दिया, जिसमें पिता की नसीहत लिखी थी। मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो, दौलत, बंगला, गाड़ी और बड़ी बड़ी फैक्ट्री और फार्म हाउस के बाद भी मैं एक फटा हुआ मोजा तक नहीं ले जा सकता। एक रोज तुम्हें भी मृत्यु आएगी, होशियार हो जाओ, तुम्हें भी एक सफेद कपड़े में ही जाना पड़ेगा। लिहाजा कोशिश करना, पैसों के लिए किसी को दुख मत देना, गलत तरीके से पैसा ना कमाना, धन को धर्म के कार्य में ही लगाना। सबको ये जानने का हक है कि शरीर छूटने के बाद सिर्फ कर्म ही साथ जाएंगे, लेकिन फिर भी आदमी तब तक धन के पीछे भागता रहता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। बेटा, कुछ बातों का हमेशा याद रखना, जैसे जो आपसे दिल से बात करता है उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। एक साल में 50 मित्र बनाना आम बात है, लेकिन 50 साल तक एक मित्र से मित्रता निभाना खास बात है। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिखा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है।